ये बात है 1998 की, जब पंकज त्रिपाठी थिएटर के साथ साथ एक होटल में काम भी किया करते थे ताकि उनका खर्चा निकल सके। उसी होटल में सत्ता मूवी के सिलसिले में मनोज वाजपेयी जी एक दिन के लिए रुकने आए, लेकिन जब वो होटल से निकले तो वो अपनी चप्पल रूम में ही भूल गए। वो चप्पल पंकज त्रिपाठी जी ने अपने पास ही रख ली। जब कुछ सालों बाद पंकज त्रिपाठी जी भी सफल हो गए और जब वो मनोज वाजपेयी जी से मिले तो उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में मनोज वाजपेयी जी को बताया और कहा कि उनकी चप्पल उन्होंने रख ली थी। तब मनोज जी ने कहा कि तुमने क्यों रख ली थी, तो पंकज जी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। पंकज जी ने कहा कि वो मेरे लिए राम की पादुकाएं थीं। इतना ज्यादा रिस्पेक्ट वो मनोज वाजपेयी जी को करते हैं। गाइस, आपको एक्टिंग के ये लिविंग लेजेंड्स के बारे में जानकर कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।